क्या समस्या है आपको? हाथ रहेगा और गोड़ा रहेगा। वहाँ चमत्कार होने लगा। स्थान बढ़िया है कि महिमा देखी थी। आगे स्वर्गाई फोड़ता है गए यहाँ पे सब मनोकामना होती है ना। आबाजी ठीक करेंगे के बालाजी ठीक करेंगे। अब यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ रहे। दोस्तों नमस्कार, एक नई वीडियो के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ। आज दोस्तों तेज बात नहीं करूँगा, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करूँगा। आज हमारे पीछे आप देख पा रहे बहुत ज़्यादा लोगों की एक हुजूम लगा है और आज हम ज़रूर बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे धाम की जिस धाम पर हजारों की संख्या में लोग आ रहे और इस धाम के बारे में क्या है क्या नहीं है। और दोस्तों इस धाम के बारे में अगर आप लोगों को आज बताऊँगा तो आज लाइव लोगों से बात करके आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों आज दुनिया में लोग कितना ज़्यादा परेशान हैं और लोग कितना ज़्यादा दुखी है आज आपको जरूर दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा इस धाम के माध्यम से। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं ये लहरन धाम है और लहरन धाम में क्या होता है सुना है। यहाँ का जो पंडा जी है वो दावा करते हैं और कुछ लोगों से बात करके भी हम देखेंगे कि भूत प्रेत, प्रेतों का दरबार लगता है, कैंसर जैसा बीमारी, बहुत बड़ा बड़ा घातक बीमारी यहाँ पर ठीक होता है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, लाइव दिखाएंगे। मेरा नाम है सुरेश कुमार। जैसे कि आप लोगों को पता है सुरेश के ब्लॉग चैनल पर दरबार से रिलेटेड वीडियो बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, दरबार से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता भी होगा इस चैनल पर हम जयपुर में जयपुर का काफ़ी सारा वीडियो दिया, भानगढ़ का किला का भी है, बम्बई का वीडियो भी इस चैनल पर देखने को मिलता है। तो गाइज मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहता हूँ हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा कि अगर आप बम्बई की वीडियो देखना चाहते हैं या जयपुर का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लहरन धाम पर लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को कि भाई लोगों से बात करके इतना लोग क्यों आते हैं और इतना लोग आने का यहाँ पर मकसद क्या है और हकीकत दिखाऊँगा लहरन धाम की। बने रहिए आप हमारे साथ सुरेश के ब्लॉग चैनल के साथ। मैं जरूर आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूं, तो जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा क्या समस्या है और उनको क्या समस्या नहीं थी और क्या विश्वास लेकर लहरन धाम आए, जे खुद अपने मुंह से बताएंगे। दादाजी कहाँ से आए आप? डोंगरा कला से आए। और क्या समस्या है आपको? हाथ रहेगा और घोड़ा रहेगा। हाथ और घोड़े रहेगा आप? कब से? आज 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया है। दिखाया है? डॉक्टर ने क्या बताया? अब डॉक्टर ने कहते कि उसके दवाई कराओ सही हो जाए। तो पहले तो आप थोड़ा चल के दिखाओ, थोड़ा कैमरा पीछे को चल के दिखाओ आप दिखाओ, थोड़ा चल के दिखाओ। तो गाइस ये देख सकते हो अंकल जी चल तक नहीं पा रहे, मतलब इनको पैरों में दिक्कत है। थोड़ा दूर जाओ, कौन सो करे दिखाओ। बस तो अंकल जी चल तक नहीं पा रहे। यहाँ पर कब से आए? पहली बार आए। अच्छा एक बात बताओ, मैं जरूर बताना चाहता हूँ इस धाम के बारे में, किसी ने बताया क्या आपको? हाँ। किसने बताया? हमारे गांव के आए थे। गांव के आदमी? हाँ। क्या बताया था? जा बताई थी कि तुम लाओ बाबा की कृपा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ पर आ गए? ठीक हो जाते, मनोकामना पूरी हो जाती, विश्वास लेकर आए बालाजी दरबार। तो आपकी अर्जी लग चुकी क्या? अभी नहीं लगी। अब तो आया था, पहली बार आया। हाँ। तो अभी दरबार भी चालू नहीं हुआ अभी? तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप? पप्पा के आश्रम में। चलो तो ठीक। तो दोस्तों देखिए 15 दिन से इस अंकल को लखुआ लगा ना आपको। हाँ। तो इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाने के बाद लहरन धाम आए, मन में विश्वास लेकर आए कि इस धाम पे आने के बाद ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहता हूँ आप हमारे कहने पर मत आइए, आज मैं लाइव दिखाऊंगा, लोगों से बातें कराऊंगा, लोग क्यों ऐसे धाम पर आते हैं और लोग क्यों
ऐसे धाम पर खींचे चले आते हैं तो जरूर आज आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है दादाजी, आप अपना काम करो। दोस्तों जब लोगों से बात करेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि भाई ऐसे धाम पर क्यों आते हैं। ये लहरन धाम मंगलवार को लगता है 2 बजे से स्टार्ट होता है। लहरन धाम मंगलवार से दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होता है शाम के 5 बजे तक। और कहा जाता है, मैंने जब जहाँ तक सुना है, इस धाम पर भूत प्रेत से रिलेटेड, मतलब जो प्रेतों का दरबार लगता है, जो प्रेतों का दरबार यहाँ पर लगाया जाता है और बहुत बड़े बड़े बीमारी को भगाया जाता है। तो आज मैं कुछ लोगों से लाइव बातें करूँगा, लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, लोग क्या सोचते हैं ऐसे धाम के बारे में, आप लाइव सुनिए। सुरेश के ब्लॉग चैनल के माध्यम से मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बातें करते। भैया कितने से आए आप? मढ़ावरा। मढ़ावरा से आए। मढ़ावरा से आया? हाँ मढ़ावरा से। तो इस धाम पर पहली बार आए क्या है? दूसरी बार आया? पहली बार आया। धाम के बारे में कैसे पता चला बताओ? तो अभी गांव का ने थोड़ा सा बताया कि वहाँ चमत्कार होने वाला है, बाबा जी का होता है, दरबार लगता है। अच्छा, इस धाम पर जब आए थे आप क्या सुनकर आए थे? आप ये आए थे कि जैसे बागेश्वर धाम में बालाजी की अर्जी लगती है, इसी तरह लगती है। क्या होता है इस धाम पर? जो बागेश्वर धाम में वो लगती है अर्जी महाराज जी, इसी तरह यहाँ भी दरबार लगने लगा। आपको किसी ने बताया था? हाँ गाँव का ने बताया था। कहीं से सुनकर आया? हाँ सुन। तो यहाँ आकर क्या लगा? यहाँ लगा के चमत्कार है बाबा, चमत्कार है, भगवान पे विश्वास करा जाए। हाँ करा जाए, विश्वास ही सब कुछ है। सब कुछ सब। चलो और बात करें, कहाँ से आए आप, थोड़ा बात करेंगे? खुरई से आए। खुरई? कहाँ से? खुरई। खुरई से? खुरई एमपी। एमपी से? कब आए आप? आज ही आए, पहली बार आज ही आए। धाम के बारे में कैसे पता चला आपको? अब जानकारियाँ मिलती हैं लोगों के द्वारा है? लोगों के द्वारा जानकारियाँ मिलती हैं, लोगों के द्वारा जानकारी। अच्छा मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ, लोगों के द्वारा क्या जानकारी हुई थी भाई? यहाँ पर भगवान हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर सिद्ध पीठ है, हनुमान जी की सिद्ध पीठ है, तो उसके अनुसार दर्शन करने आए हैं। यहाँ ये भी मिला हमें कार्यक्रम गुरु जी का, तो थोड़ा उनका भी दर्शन कर ले इसलिए बैठे हुए हैं। तो आप भगवान बालाजी के दरबार में आए? जी हाँ। तो अभी कुछ लोग हमारे जब वीडियो देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई अंधविश्वास है, विश्वास नहीं करना चाहिए, तो आप इस विषय में कुछ कहेंगे? देखिए जिसकी सही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी देखी तंदे की, जिसकी जैसी भावना है उस हिसाब से बात करेगा आदमी, उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसीलिए आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि भाई हम लोगों से बात कराएंगे कि ऐसे धाम पर क्यों आते हैं लोग और इतने ज़्यादा संख्या में खींचे चले आते हैं, तो थोड़ा सा हम बात करा रहे हैं। तो आप लोगों के द्वारा आए और पहली बार आया? जी हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हाँ स्थान बढ़िया है, मूर्ति भी भगवान जी की बहुत सुंदर है और ये कार्यक्रम अब देखने के लिए बैठा हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक। दादाजी थोड़ी बात करें आपसे, थोड़ा बात करें आपसे। कहाँ से आए आप? बानपुर से। पहले तो आप अपना नाम बताइए। गोविंद सिंह बानपुर। अच्छा तो बानपुर से आए आप? जी। ये लहरन धाम के बारे में कैसे पता चला? हमने मोबाइल पे देखा था। मोबाइल में देखा था? जी। मोबाइल में क्या देखा था? मोबाइल में इनकी महिमा देखी थी। क्या महिमा देखा? जो माने जैसे भूत प्रेत बारे ये ऐसा सुना भी है उसमें और देखा भी है। तो आपने विश्वास कर लिया? जी। क्या विश्वास किया था आपने वीडियो देखकर? क्या विश्वास किया? ये किया था कि जो सच्चाई है भगवान अपनी आस्था माने जैसी है वैसे ही उनकी कृपा है। तो आप क्या कोई अर्जी लेकर आए यहाँ पर? अर्जी तो माने दिल में होती है, अर्जी वैसी क्या लेके आए? तो कोई प्रतिक्रिया लेकर नहीं है, मतलब कोई आपको बीमारी या भूत प्रेतों का कोई छाया है क्या, आपको कोई कष्ट है ऐसा कुछ लेकर नहीं आया? कष्ट तो है। कष्ट तो है। हनुमान जी से क्या मांगना चाहते हैं? भाई यही माने मांगते हैं कि जो माने अपना
शरीर स्वस्थ रहे, अपना परिवार स्वस्थ रहे, सब लोग माने अच्छे। अच्छा, हमारे ऑडियंस कहता है आप डॉक्टर पे भरोसा करते हो? नहीं, डॉक्टर पे भी भरोसा है, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर भगवान पे भी भरोसा? भगवान पे भी भरोसा। अच्छा, यहाँ एक बात बताइए, यहाँ जो दरबार लगता है तो मैं जानना चाहते हैं लोग जी कि भगवान पे विश्वास है कि बाबा जी पे विश्वास है, क्या है? नहीं, विश्वास तो भगवान तो भगवान है। अच्छा, भगवान पे भगवान? भगवान तो भगवान ही है, जो मैंने जिनने सृष्टि रची है। अच्छा, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि धाम का महिमा होते हैं ना कि बाबा की महिमा होते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहेंगे कि मैंने उन्हीं की कृपा है, बालाजी सरकार की। बालाजी सरकार, बोलो बालाजी सरकार की। बालाजी सरकार, तो मतलब आप भी सब मानते हैं कि भगवान अभी भी है, आस्था है? नहीं नहीं, है और रहेंगे, जब तक धरती पृथ्वी रहेगी जब तक भगवान रहेंगे। ऐसे वीडियो बनाने में मजबूर हो रहे, कुछ लोग हमें जब कमेंट करते हैं कि ऐसा ऐसी चीज करके कुछ है नहीं है, ये सब अंधविश्वास है, तो हम लोगों का राय लेना चाहते हैं कि लोग क्या नहीं, इतने संख्या में जो खींचे चले जाते हैं। अंधविश्वास नहीं है। अच्छा, आस्था अपनी हो अच्छा तो विश्वास पक्का है। चलिए, बहुत हम दूसरे लोगों से थोड़ा बात करें, धन्यवाद बात करने के लिए, समय देने के लिए। दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों को लाइव दिखाई जा रही, लोगों से हम बातें कर रहे ऐसे धामों के बारे में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हो कि भाई लोगों से बात कराओ, लाइव बातें कराओ, तो मैंने कुछ लोगों से बात कराया और बात कराने के बाद यही समझ में आ रहा है, यह जो धाम लगता है लहरन धाम, लोग हजारों की संख्या में खींचे चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा एक ही मकसद है कि ऐसे धाम पर लोग जब आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे खींचे चले आते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना। भाई, आप लोगों को हम बताते रहते हैं कि भाई, कुछ लोग जब हमें कमेंट करते हैं कि आप धाम के बारे में बताइए, धाम के बारे में चर्चा करिए, तो जो लोग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो उन्हीं से जब हम बातचीत करते हैं तभी हमें पता चलता है धाम की महिमा क्या है, धाम के बारे में उन्हीं लोगों से बातचीत करके पता चलता है। तो मैं उन लोगों से बातचीत, और माता और बहनें बैठे उस साइड, तो कोशिश करता हूँ उन लोगों से भी बातें कराने की आप लोगों। तो बने रहिए सुरेश के ब्लॉग चैनल के साथ, लहरन धाम पर लाइव बातें कर रहे हैं आप लोगों से। भाई, किधर से आए आप? किधर से आए आप? भदोरा। भदोरा? हाँ। तो ये लहरन धाम के बारे में कैसे पता चला आपको? ऐसे याद मैंने कहीं ऐसी सुने से पता चला। आदमी ने क्या बताया था? ये लहरन धाम से यहाँ फुरती है कि? यहाँ पर क्या होता है? बागेश्वर घाई फुरता है गए यहाँ पे। अच्छा, बागेश्वर में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, बताएं? यहाँ भी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, यहाँ पे सब मनोकामना होती है ना। हाँ, तो ये लोग सब लोग, जनता भी आई, हम लोग भी आए हैं यहाँ पे। अच्छा, विश्वास लेकर आप? और का विश्वास है तभी तो आए हैंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जैसे आपने बताया बागेश्वर में जो होता है, यहाँ पर भी? यहाँ भी होता है, और विश्वास है कि होगा भी, मनोकामना मनोकामना पूरा होता है। तो आप किसी ना किसी मनोकामना लेकर यहाँ पर आए? और का, तो बालाजी सरकार, बालाजी दरबार में आए हो के? जैसे यहाँ पर जो बाबा बैठते हैं, तो कुछ लोग जब कमेंट करते हैं कि भाई ऐसा अंधविश्वास है, कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं कर? आदमी जो चाहे जैसे चाहे कहना, हमें तो विश्वास हैगा। आपको विश्वास? हाँ, हमें तो है विश्वास कि हाँ भी बाबा करेंगे मनोकामना। बालाजी सर है, भगवान है। और का, तो जैसे कि आप लोगों से कुछ बातें कराए, मैं और बातें कराना चाहूँगा, और आप लोगों के बीच में जरूर मैं और दो तीन माता बहनें से बात कराना चाहूँगा। आओ भाई साहब, कहाँ से आए आप? हम आए थे चटकुआ, पटा चटकुआ। पटा चटकुआ से बैठ जाए, बैठते बने अच्छे से। पटा चटकुआ से आया? हाँ, पटा चटकुआ से आया। धाम के बारे में कैसे पता चला? अजी, एक तो पास में है। अच्छा, ऊपर चर्चा में विषय हो, फोन पे बात होती तो अगर, चलो चलो जैसे चाहे पता चला। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस धाम पर क्यों आए, तो कुछ बता पाएंगे? हाँ, नहीं नहीं, हम आए ना, हमारी कलियाई में दर्द है। हाँ, तो फिर हम आए, हमने चलो का दूर जाने, जब पास ही में है। तो कमर में दर्द है आप लोगों को, डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं दिखवा, लेकिन आराम नहीं लगा हमने, दिखवा डॉक्टर से आराम नहीं लगा। तो यहाँ पर जो बाबा जी ठीक करेंगे कि बालाजी ठीक करेंगे? अब देखो, बालाजी की कृपा है, बालाजी की कृपा है, धाम का कृपा है, बिना भगवान के नहीं होता, कछु नहीं, कोई नहीं कह सकता। तो बालाजी से आपकी भेंट हुई है अभी? नहीं अभी नहीं भाई, हम तो आज ही आया, पहली बार आया। पहली बार आए तो
गाइस देखिए, इनको कमर में दर्द है और ये दिव्य दरबार में आए हैं, लहरन धाम की दरबार है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया था कि भाई लाइव आप लोगों से बातें कराता हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस धाम पर आप देख सकते हो हमारे पीछे काफ़ी संख्या में लोग जोड़ते जा रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते भी जा रहे हैं, देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि काफ़ी संख्या में लोग जब आते हैं तो कोई ना कोई मनोकामना लेकर ही आते हैं। तो अभी कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पर जो पंडा आते हैं कुछ समय बाद यहाँ पर आने वाले हैं और आप देखेंगे किस तरीके से प्रतिक्रिया का बनता है। तो मैंने लाइव दिखाया कि धाम पर क्यों आना चाहिए और धाम पर आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये डिसाइड आप ही करोगे। भाई मैं नहीं कह सकता हूँ कि आपको ऐसे धाम पे आना है कि नहीं आना है, और ऐसे धाम पर जब आप आना चाहते हो तो आप अपने विचार बनाकर आना। जब यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, देखिए वहाँ पर एक व्यक्ति जो है चलकर नहीं जा पा रहे, तो कोई ना कोई समस्या उन्हें लकवा की परेशानी है, बाबा जी उनको ठीक करेंगे यह इनका दावा है। कोई डॉक्टर को दिखा कर आए हैं लेकिन ठीक नहीं हुए, तो अभी देखते हैं बाबा जी आते हैं। जैसे ही बाबा जी आते हैं आपको हम दिखाते हैं, और बाबा जी आकर अर्जी लगाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, अर्जी लगता है। अर्जी क्या लगता है, आप लोगों ने बागेश्वर धाम देखा होगा, बागेश्वर धाम के बारे में सुना होगा। तो बागेश्वर धाम में क्या होता है, लोगों को बुलाया जाता है। जैसे ही किसी की अनजान व्यक्ति को नाम लेकर बुलाया जाता है कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। जैसे कि पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि नारियल बांधा जाता है लाल कपड़े के अंदर, तो लोग यहाँ पर आते हैं नारियल बांधते हैं, उनका अर्जी बन गया। और बाबा जी जैसे यहाँ पर आते हैं, बाबा जी क्या करते हैं, बाबा जी अपने मन से किसी एक व्यक्ति को बुलाते हैं और उनको बुलाकर उनके सामने बैठालते हैं, और जैसे ही उनके सामने बैठालते हैं वो फिर वो अपनी किसी पर्चे में पर्चा में लिखना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति का जो अर्जी होता है और बाबा जी की पर्ची अगर मिलाई जाता है बिल्कुल सही निकलते हैं। तो अभी कुछ देर बाद बाबा जी आने वाला है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर बाबा जी आएंगे, तो बने रहिए, दिखाता हूँ बाबा जी आकर क्या करते हैं। और बाबा जी आने तक इस वीडियो में देखते रहिए, मैंने कुछ लोगों से बातें कराया, लोगों का क्या प्रयत्न, तो अभी और कुछ लोगों से बातें आपकी कराते हैं। आप लोग देख सकते हो महाराज जी पधर चुके हैं, यहाँ का जो पंडा महाराज है पधर चुके हैं, पंडा महाराज है पधर चुके हैं और पूजा अर्चना करते हुए इसके बाद यहाँ पर अर्जी लगाई जाएंगे। और ये जो जनता बैठी हुई आप देख सकते हो लहरन धाम में, इन सभी जनता की एक एक करके अर्जी स्वीकार होंगे और उन लोगों की अर्जी सुनाई जाएंगी। तो ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये लहरन धाम है, देखिए लहरन धाम, लहरन धाम पर किस प्रकार से लोग आते हैं। भाई डिसाइड आप ही करना कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, वीडियो को शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो देखकर लगे कि वीडियो शेयर करना चाहिए, लहरन धाम के बारे में अगर लोगों को बताना चाहिए, तो ज़रूर एक बार वीडियो शेयर कर देना। सुरेश के ब्लॉग चैनल को ज़रूर आप सपोर्ट करें, इस तरीके से वीडियो लहरन धाम और धाम से रिलेटेड वीडियो ज़रूर डालते हैं दोस्तों। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आप लोग देखते हो बम्बई का भी काफ़ी वीडियो डाला है, जयपुर का डाला है। तो अभी दरबार शुरू होने वाला है, ये था लहरन धाम, और लहरन धाम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज आप लोगों को लाइव बताऊंगा, लोगों से बात करके बताऊंगा। गाइस ये था लहरन धाम, आप देख सकते हो हमारे पीछे ये लहरन धाम है, और कितने संख्या में हमारे पीछे यहाँ पर लोग आए हुए देख सकते हो, और डिसाइड आप ही को करना है कि आप यहाँ पर आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ लहरन धाम से जब मैंने कुछ लोगों से बात की, लोगों से बात करने के बाद ही मुझे पता चला कि भाई लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। तो आज का ये वीडियो था, लाइव था, लोगों से बातें कराया, और लोगों से बात करने के बाद क्या प्रतिक्रिया रहा और क्या आपकी मनोकामना रहा और क्या इस धाम के बारे में आप सोचते हो,
तो डिसाइड आप ही करना। तो दोस्तों वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि महाराज जी बैठ चुके हैं और अर्जी अभी लगने वाला है। मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप जरूर डिसाइड करना ऐसे धाम पर आप आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। ऐसे धाम पर अगर आप आना चाहते हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लोग दावा करते हैं कि भाई यहाँ पर बालाजी भगवान हैं, बागेश्वर धाम का टू कॉपी है, बागेश्वर धाम जैसा यहाँ पर अर्जी लगता है। तो मैंने आपको धाम दिखा दिया और थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये धाम लहरन धाम है, लार गांव में स्थित है, मेहरौनी से 18 किलोमीटर अंदर पड़ता है। अगर मैं जिला की बात करूँ, जिला का नाम है ललितपुर, और प्रदेश की बात करूँ तो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और जिला ललितपुर, तहसील मेहरौनी, मेहरौनी से 18 किलोमीटर अंदर है लहरन गांव। तो ये लहरन धाम आप आ सकते हो, हमारे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर माइक का बहुत ज़्यादा शोर शराबा होते हैं, इसलिए आवाज़ नहीं आ पा रहे। तो वीडियो का यही एंड करते हैं, लहरन धाम लाइव बातें कराया। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों वीडियो यही एंड करते हैं, जय बजरंगबली, जय बालाजी, जय सरकार।